टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल अगले मरहले में दाखिल। एहतजाजी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इंडोर वार्ड भी बंद करने का ऐलान। अलायंस के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक में कहा, हुक्मरान ताकतवर के सामने यू टर्न लेते हैं मगर जब मुलाजमीन का मामला हो तो डट कर खड़े होने की बात करते हैं। ताजर मुतालबात की मंजूरी के लिए दो रोजा हड़ताल जारी। ताजर तंजीमों की अपील पर शहर भर की छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर चैम्बर और कार डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। ताजर रहनुमा मोहम्मद अली मियां का कामयाब हड़ताल पर इजहार तशक्कुर। बोले, बजट के बाद से अपने तहफात पेश कर रहे हैं मगर हुकूमत मीटिंग में मसरूफ है। ताजर रहनुमा मुजाहिद मकसूद बट का हुकूमत को पहले स्मगलिंग बंद करने, अपने मामला दुरुस्त करने और फिर ताजरों की जानिब आने का मशवरा। सर्विसेज अस्पताल में मियां नवाज शरीफ के इलाज का आठवां रोज हालत बदस्तूर तशवीशनाक। मेडिकल बोर्ड का प्लेटलेट्स बढ़ाने के हवाले से स्टीरॉइड्स देने का फैसला। डॉक्टर्स ने पेट स्कैन टेस्ट भी तशवीश कर दिया। जाती मोहनिस डॉक्टर अदनान कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म की बीमारी की जाँच के लिए स्कैन टेस्ट और बायोप्सी जरूरी है। बड़े भाई की अयादत के लिए शहबाज शरीफ अस्पताल पहुँच गए। और हाई कोर्ट से इकदामे कत्ल के मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत खारिज। फरार की कोशिश में मुल्ज़िम और मुद्दई गुत्थम गुत्था। वकला जबरदस्ती मुल्ज़िम को हाथ आई अदालत से फरार करवाने में कामयाब।